नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने बुधवार सुबह 11 बजे 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसमें भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली दो रेल परियोजनाएं अकोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोंगला पोर्ट रेल लाइन और एक मेगा पावर प्लांट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 शामिल है। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि ये बहुत खुशी की बात है, हम भारत बांग्लादेश की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। पिछले 9 सालों में हमने मिलकर जितना काम किया है वो कई दशकों में भी नहीं हुआ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा, भारत बांग्लादेश के बीच तीनों प्रोजेक्ट्स का जॉइंट इनॉग्रेशन हमारी पक्की दोस्ती और सहयोग को दिखाता है। शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच दोस्ती को मजबूत करने को लेकर भारत के पीएम मोदी के कमिटमेंट की सराहना की। 7 महीने पहले यानी मार्च 2023 में पीएम मोदी और शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया था। उस दौरान पीएम मोदी ने कहा था, मुझे विश्वास है कि ये पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास को और गति देगी, साथ ही दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का उदाहरण रहेगी। कोरोना महामारी के दौरान हमें रेल नेटवर्क के जरिए बांग्लादेश को ऑक्सीजन और अन्य राहत का सामान भेजने में सुविधा रही। 130 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन 377 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनकर तैयार हुई। यह भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार पहली ऊर्जा पाइपलाइन है। इससे दोनों देशों में ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग बढ़ा। भारत से पाइपलाइन के जरिए डीजल आयात करने के लिए 2017 में एक समझौता हुआ था। इसके बाद मार्च 2022 में इस पाइपलाइन को बनाने का काम शुरू हुआ। इस परियोजना को जून 2022 तक पूरा होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसमें देरी हुई। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।